हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित वर्मा और आप देख रहे हैं लेक्चर सीरीज 100 ट्रिकी क्वेश्चंस ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करेंगे इस लेक्चर सीरीज में। राइट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर क्वेश्चन है और मैंने इस लेक्चर सीरीज में ज़्यादातर डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स के क्वेश्चन कराने हैं। सो अगर आपके इस चैप्टर में डाउट है तो आप कंसेप्ट को सीख सकते हैं, अदरवाइज आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेक्चर को रोक के आंसर को मैच कर सकते हैं। राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल इज सब्जेक्टेड टू अ कंसंट्रेटेड लोड एट अ डिस्टेंस ऑफ एल बाय थ्री फ्रॉम द फ्री एंड, फाइंड द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड। ये सबसे पहले मैंने कुछ हल्का सा क्वेश्चन लिया है, इसके बाद हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे। क्या कहा क्वेश्चन को मैं यहाँ पर उतार देता हूँ, कैंटिलीवर बीम दी है इसने और इसने जो कंसंट्रेटेड लोड कहा है एल लेंथ है एल बाय थ्री फ्रॉम द फ्री एंड। कितना लोड पड़ा है मान लेते हैं पी लोड पड़ रहा है। राइट, सो इन्होंने हमसे पूछा है कि फाइंड द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड, फ्री एंड पर डिफ्लेक्शन कितना होने वाला है। तो इसके लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे, बहुत शानदार तरीका है। अगर आपको, अगर मैं इसको सी मान लेता हूँ, इसको बी और इसको ए मान लेता हूँ। राइट, सो अगर आपसे कोई इस डेल्टा एट सी पूछता है, दैट विल बी डेल्टा एट सी विल बी, आप बी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकाल दीजिए प्लस यहाँ तक का स्लोप, क्योंकि ये जो कर्व बनेगी, अगर मैं बना के दिखाऊँ आपको, इसकी इलास्टिक कर्व ऐसे बनेगी और उसके बाद सीधी बनती है लाइन। तो एक मिनट, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली अगर आपको सी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन चाहिए तो आपका करना क्या पड़ेगा, आपको ये वाला डिफ्लेक्शन निकालने के लिए ये तो डेल्टा बी रहेगा और अगर मैं इसको थीटा मान लूँ, राइट, और यहाँ से मैं टेन थीटा निकाल के कर सकता हूँ, ये वाला डिफ्लेक्शन निकाल दूंगा मैं, और ये तो स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर सीधा ट्रायंगल लो लग जाता है। ये लेंथ कितनी है, एल बाय थ्री है, बहुत आसान तरीका है। सो इट विल बी थीटा बी इंटू एल बाय थ्री, वो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, दैट इज अवर डेल्टा एक्स, दिस इज। और डेल्टा बी निकालना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पी लोड लग रहा है कैंटिलीवर बी में, इसके लिए हमें फॉर्मूला पता है, ये पी एल की अपॉन थ्री ए आई होता है। सो यहाँ से हम इसको निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, लेकिन लेंथ कितनी लेंगे, मैंने क्वेश्चन इसीलिए लिया है, इतना भी आसान नहीं है, नए लोगों के लिए तो आसान नहीं होगा है। सो पी इंटू ट्वेल्व बाय थ्री का होल स्क्वायर, पेन चेंज हो लेते हैं, पी एल P इंटू एल स्क्वायर एल क्यूब सॉरी बाय थ्री ई आई। राइट, यहाँ तक का थीटा बी स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, पी एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई। सो आफ्टर सॉल्विंग इट आप इसको निकाल देंगे, आंसर आएगा 14/81, चेक कर लेना एक बार, पी एल क्यूब अपॉन ई आई। राइट, 14/81 पी एल क्यूब बाय ई आई। सो बढ़िया क्वेश्चन कह सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप कभी भी, आपको कोई अब डाउट रहेगा तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि और आपको अगर डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स में प्रॉब्लम है, पूरी पूरी लेक्चर सीरीज बनाई है मैंने, 5-6 लेक्चर इसके ऊपर, इस प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लीजिएगा अगर आपको डाउट रहेगा, अदरवाइज मुझे पता है कि प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ सो क्वेश्चन मैंने उतार लिया, सी पॉइंट पे पिंड है, दोनों तरफ से फिक्स्ड है, सी पॉइंट पे पिंड है, एल लेंथ है, इधर इधर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा है डब्ल्यू यूनिट पर लेंथ का, और यहाँ पर कोई लोड नहीं लगा, एल लेंथ है इसकी, फ्लेक्चुरल रिजिडिटी इधर भी ई आई है, इधर भी ई आई है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है।
हमें इसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, इसने पूछा है कि रिएक्शन एट पॉइंट सी, फाइंड द रिएक्शन एट पॉइंट सी। राइट, अभी उम्मीद है मेरे को बहुत सारे लोग इसको कर भी लेंगे। तरीका क्या रहेगा, इसको दो हिस्सों में तोड़ना होता है, मतलब जहाँ पर ये पिंड होती है ना, ये कंसेप्ट है इसका। ये और ये, यही तरीका है ना। अच्छा, लोड किधर की साइड बढ़ रहा है, इस वाले बीम का इधर की साइड, नीचे की साइड बढ़ेगा, तो रिएक्शन फोर्स लगाओ इधर की साइड आर सी, और इधर को इसके जस्ट अपोजिट इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग ये आर सी इधर लग जाएगा। राइट, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है जो हमारा एसी के लिए जो डिफ्लेक्शन रहेगा वही डिफ्लेक्शन रहेगा बीसी के लिए, तभी तो इस पॉइंट पे पिंड है। क्या जो मेन मोटिव था मेरा क्वेश्चन बताने का, कि डिफ्लेक्शन एट एसी विल बी डिफ्लेक्शन ऑफ बीसी, ये है पिंड एंड के क्वेश्चन का तरीका। बीसी के लिए डिफ्लेक्शन निकालना कोई बड़ी बात है नहीं है, क्यों, आरसी आपको लोड पता है, L³/3 आई कैंटिलीवर बीम है। एसी के लिए क्या सीन है, हाँ थोड़ा सा अलग है, क्योंकि एक ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लगा और ये आरसी लगाया, तो ऑब्वियसली नेट डिफ्लेक्शन इन दोनों का क्या रहेगा, एल्जेब्रिक सम। राइट, तो आरसी तो ऊपर की साइड लग रहा है, ये नीचे की साइड लग रहा है, तो नेट डिफ्लेक्शन विल बी जो WL/4/EI, ये अपना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए होता है डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, जो कि नीचे की साइड लग रहा होगा और ऊपर की साइड क्या लग रहा होगा, आरसी के लिए। राइट, आरसी L³/3 EI, सो जो मुझे यहाँ से दिख रहा है ये आरसी आरसी उधर जाके 2 RC हो जाएगा, EI से EI कैंसिल हो जाएगा। राइट, और यहाँ से ये 2 RC होके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 3/16 WL। राइट, दैट इज अवर आरसी। राइट, यही आंसर दिया है शायद। राइट, सो मतलब ऐसे गेट में क्वेश्चन आने के बहुत 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 ज़्यादा चांस है इस टाइप के क्वेश्चन पूछने के। राइट, सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ मिनट। सो दिस इज द क्वेश्चन, ए सिंपल सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 2L इज सब्जेक्टेड टू अ मोमेंट M एट द मिड पॉइंट, मतलब एक मिड पॉइंट पे मोमेंट लग रहा है। राइट, ये हमारी बीम है, यहाँ पर मोमेंट लग रहा है M, डिफ्लेक्शन इन द डोमेन एक्स इक्वल्स टू, और ये यहाँ से एक्स शुरू है। राइट, ऐसे ही जस्ट इसके जो मिरर इमेज है इधर की साइड है। राइट, सो एक्स इक्वल्स टू 0 से एल तक जो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, डिफ्लेक्शन को हम वाई से दिखाएंगे, -MX/12EIL, L-X(C)L लेंथ है, एक्स की वैल्यू यहाँ से बताइए कि सेंटर से ली है और सी एक कॉन्स्टेंट है, फाइंड द आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ई यंग्स मॉडुलस है, फाइंड द स्लोप एट द सेंटर ऑफ द बीम। डिफ्लेक्शन दिया है तो स्लोप निकालने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। राइट, क्योंकि उससे हमारा वाई अगर दिया है तो स्लोप क्या होता है, DY/DX होता है, इतना तो पता है, और X=0 पे दिया है वो भी देख लेंगे, चलो फिर एंड कंडीशंस वगैरह लगा के देखते हैं, इतना तो पता लग गया है। राइट, क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राइट, सो व्हाट इज दिस, यहाँ पर मोमेंट लग रहा है M, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। राइट, डिफ्लेक्शंस इज माइनस का 12EI, L यही दिया ना, यस L-X and X+C, अंदर मल्टीप्लाई वगैरह कर देते हैं, -M/12EIL, तो LX और LX² हो जाएगा, -X²(X)² भी है ना, X³ हो जाएगा, प्लस LC के साथ X हो जाएगा और XC² हो जाएगा, करेक्ट, बार माइनस है उसको देख लेंगे बाद में। सो
सो दैट स्लोप विल बी डी वाई बाई डी एक्स. सो इसको एक बार मैंने क्या कर देना, डिफरेंशिएट कर देना है. डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट विल बी अवर डी वाई बाई डी एक्स. यही तो हमें स्लोप निकालना है. 2 LX माइनस 3 X² प्लस LC माइनस 2 XC, राइट. ये रहेगा. अभी इसने मुझसे क्या पूछा है कि फाइंड द स्लोप एट X = 0, और x यहां से लिया है. मतलब इस पॉइंट पे इसने पूछा है फाइंड द स्लोप. वो सेंटर पे क्या है, X = 0, इसी पॉइंट पे तो है. तो मैंने यहाँ पर X = 0 रख देना है सब जगह पे. यहाँ भी ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा. L से L कट जाएगा. सो दैट विल बी माइनस MC/12 EI आ जाएगा. दैट विल बी थीटा एट दिस पॉइंट C. एम आई राइट? बट अभी ये आंसर तो हमारा, मुझे नहीं लगता कि अभी मेरे को सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. सी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एंड कंडीशंस लगानी पड़ेगी, राइट. अच्छा, अगर मैं इसका डबल डिफरेंशिएट कर दूं, डबल डिफरेंशिएट, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, राइट. सो दैट विल बी राइट, एक मिनट. इधर कर देते हैं. मैक्सिमम मेरे को मैक्सिमम वैल्यू वाई डी वाई बाई डी एक्स निकाला. डबल डिफरेंशिएट करते हैं इसका. d2y/dx² दैट विल बी, अच्छा ये क्यों निकाल रहा हूँ, मेरे को एंड कंडीशन निकालनी है इसकी, करेक्ट. एंड कंडीशन, राइट. सो दैट विल बी m/2 EIL, ये तो आ ही जाएगा, माइनस m/12 EIL, दैट विल बी 2L - 6X - 2C. ये आ गया, ये दिस विल बी अवर डबल डिफरेंशिएशन. अभी क्या है यहाँ, और ये क्या चीज़ होती है डबल डिफरेंशिएशन, ये हमें पता है. ये होता है Moment/EI. अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना, ये तो जो हम थ्योरम है हमारी, मैकेलिस थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग ये है कि d2y/dx² दैट विल बी m/EI, ऐसा ही है. सो यानी कि मैं इसको किसके बराबर कर दूंगा, m/EI के बराबर कर दूंगा इसको मैं, करेक्ट. सो क्योंकि ये m/EI हो जाएगा, EI से EI कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ से, और ये किस चीज़ पे, हम किस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे, किस पे निकाल रहे हैं, यहाँ पर अगर इस पॉइंट पे बात करें, ये X = 0 है, और बी पॉइंट पे क्या है, X = L है. X = L पे मोमेंट क्या लग रहा है, कुछ भी नहीं है, 0 है. सो ये सभी वैल्यूज़ रखने के बाद, मोमेंट अपनी वैल्यूज़ रखने के बाद, यहाँ से सी की वैल्यू क्या आने वाली है, क्योंकि आप x को देखो वैसे भी यहाँ पर रख देंगे, राइट. ये वैल्यू इधर जाके इधर हो जाएगी 0, m से m कट जाएगा. सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आने वाली है, सॉल्व करके, c की वैल्यू क्या आने वाली है, -2L, करेक्ट. c की वैल्यू यहाँ सॉल्व करके क्या आएगी, -2L, करेक्ट. क्या करा मैंने, यहाँ पर mx को 0 रख दिया, ठीक. mx को 0 रखने के बाद एट X = L, x की जगह कितना रखना है, L रखना है. तो यहाँ पर जब ये अपना m, जब अपना ये 0 हो जाएगा, या mx आएगा यहाँ पर, क्योंकि यू आर कैलकुलेटिंग अबाउट सम पॉइंट x, तो यहाँ mx/EI आएगा. तो mx को मैं 0 रखूँगा किसके लिए, जब X = L है, तो यहाँ पर भी L आ जाएगा ना. तो ये तो सब 0 के नीचे आके 0 हो जाएगा. इसे सॉल्व करते हैं, तो -2C - 4L = 0, तो C = -2L. हर एक चीज़ का देखो रीज़न होता है, ऐसा नहीं कुछ हवा में हो गया. C = -2L. सो यहाँ से हमारी ये इक्वेशन आ जाती है. बहुत शानदार तरीका है. दोबारा से मैं इसको रिपीट करता हूँ. C = -2L रख दो, फिर पहले पूरा सॉल्व तो कर देते हैं.
देखो आपने क्या निकाला था, ये निकाल दिया था यहाँ पर, है ना, कितना आ गया था माइनस, अपना माइनस एम सी अपॉन 2 EI, 12 EI, यही आया था। एम सी की जगह क्या रख दोगे, -12, तो 2 से 6 चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एम एल अपॉन 6 EI आ गया। दैट विल बी स्लोप एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, DY/DX एट x इक्वल्स टू 0। ये किस पॉइंट पे आया, जब x बराबर अपना क्या था, 0 था, राइट। मैं जल्दी से रिपीट करता हूँ क्या किया मैंने अब तक। मैंने सबसे पहले DY/DX निकाल दिया, वो तो सबको पता ही लग गया होगा, थीटा एट x इक्वल्स टू 0 पे, है ना, ये मैंने निकाल दिया। दैट विल बी, ये c के टर्म्स में आया, आई थिंक मैक्सिमम लोगों की ये चीज़ कवर होगी होगी, लेकिन ये सी की वैल्यू नहीं पता लगती। लेकिन मुझे एक बात पता है कि D2Y/DX² दैट विल बी MX/EI, है ना, MX/EI होता है। लेकिन X, क्योंकि ये बीम इस तरह से दी है, यहाँ पर X बराबर 0 और ये X बराबर L है, ठीक, तो X बराबर L पे मोमेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है, मोमेंट बराबर 0 रहेगा। और इसको अलग से भी कैलकुलेट करके रख सकते हैं, ऐसे कोई बहुत समझने वाली बात नहीं है ये, आप अलग से कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हो कि मोमेंट कैसे 0 हुआ। तो ये X=0, X=L, तो हमने क्या किया, जो भी वैल्यू आई थी उसमें मोमेंट, उसमें क्या रख दिया, एम एक्स की वैल्यू को 0 रख दिया और X=L रख दिया। क्यों, हमारा जो फॉर वैल्यू आई थी वो ये आई थी, मैं एक बार लिख देता हूँ, 12 -6 -2c, ये वैल्यू आई थी, लेकिन मेरे को चेक करने दो, यही आई थी ना, हाँ यही वैल्यू आई थी, और इसको हमने MX/EI से कंपेयर कर दिया, तो इसको तो मैंने 0 कर दिया, ये सब 0 के नीचे आके 0 हो जाएगा, एक्स की जगह एल रख दिया तो C=-12L हो गया, करेक्ट। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, आपको समझ आया होगा होपफुली। कोई भी डाउट तब भी रहे, आई एम होल एयर्स, आप कभी भी मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 84 और 85 इसके साथ ही है। इसने क्या कहा, एक प्रोपेल्ड कैंटिलीवर बीम है ABC, मतलब क्या होता है कि ये बीम दी है ABC, और प्रोपेल्ड बीम मतलब यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लगाया है, रोलर सपोर्ट लगाया है सी पॉइंट पे, और बी पॉइंट पे एक इस तरह का फोर्स लग रहा है, फोर्स क्या, एक कपल लग रहा है। डिस्टेंस कितना है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये एल लेंथ है, ये एल लेंथ है। सबसे पहली चीज़, जो फेमस चीज़ ये पूछते हैं, ये फ्रैक्चरल रिजिडिटी EI दी है, वो तो सब सही बात है, ठीक है। मैग्नीट्यूड का ये जो लग रहा है लोड्स, पी लग रहा है एट ईच एंड, ठीक है। सबसे पहली चीज़ इसने रिएक्शन पूछी है, रिएक्शन एट सी, और क्वेश्चन नंबर 85 के अकॉर्डिंग इसने रोटेशन एट बी पूछा है। फाइन रोटेशन एट बी, ये भी किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ मेरे से किसी ने पूछा है व्हाट्सएप पे, तो इसीलिए मैं करा रहा हूँ कि डाउट भी क्लियर होगा और अच्छे क्वेश्चन है सभी के लिए, प्रैक्टिस के लिए कभी भी काम आ सकते हैं आपको, राइट। सो मैं शुरू कराता हूँ इसको जी। सबसे पहली बात, मुझे एक बात पता चल जाती है डिफ्लेक्शन इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, कि भाई ये डिफ्लेक्शन एट सी इज़ 0, ये 0 रहेगा, यही कंसेप्ट है ना इसका। तो जहाँ पर एक ये मोमेंट लग रहा है, एक तरह से क्या लग रहा है, कितने का लग रहा है, 2 PA का, PA इधर, 2 PA, तो अगर मैं इसको बनाऊँ, 2 PA का बन रहा है, और ये क्या लग रहा है, एक तरह से RC लग रहा है, करेक्ट है ना। उसी तरीके से ये ऐसे बनेगा और फिर यहाँ पर ऐसे हो जाता है,
थीटा, ये बी पॉइंट है, राइट। सो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं करना हमने, सबसे पहली चीज़ तो इसके लिए निकालना है ये डिफ्लेक्शन कितना होगा प्लस ये डिफ्लेक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्री से हो जाता है, करेक्ट। सो अपना जो नेट डिफ्लेक्शन है एट दिस पॉइंट विल बी ज़ीरो। सो एम एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई होगा इस मोमेंट के लिए, एम कितना है टू पी ए, एम एल स्क्वायर अपॉन ई आई ये मोमेंट के लिए रहेगा, एम एल स्क्वायर सॉरी टू ई आई, एम सॉरी ये डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है, ठीक, ये इसके लिए रहा। प्लस ये मैं सी पॉइंट तक डिफ्लेक्शन निकालता जा रहा हूँ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा रहा हूँ ना, ये तो हो गया ये वाला, लेकिन ये वाला कैसे आएगा, ये मैं निकाल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री से, थीटा इंटू एल हो जाता है, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, लोड कितना है इसके अंदर, जो लोड मतलब आपका जो मोमेंट है टू पी ए है, तो इसके लिए क्या होता है एम एल अपॉन ई आई होता है, तो एम तो ये है एम एल अपॉन टू ई आई, ये तो थीटा का फॉर्मूला हो गया एम एल अपॉन ई आई इंटू लेंथ, सो ये डिफ्लेक्शन हो गया, ये इज इक्वल्स टू जो आर सी के लिए लोड लग रहा है, दैट विल बी आर सी इंटू एल क्यू अपॉन थ्री ई आई, करेक्ट। और एल नहीं आएगा, गलती होगी देखो मेरे से भी, टू एल आएगा, लेंथ टू एल है, बहुत ज़्यादा चांस थे इस क्वेश्चन में गलती होने के। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वन ऑफ द बेस्ट प्रिंसिपल है, जब और ज़्यादातर चांस क्वेश्चन ई एस में, गेट में, इस बार्क में, मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा चांसेस इसी टाइप के क्वेश्चन आने के। सो यहाँ से ई आई मुझे जो दिख रहा है वो कैंसल होता हुआ दिख रहा है, पी ए के टर्म्स में वैल्यू आएगी, यहाँ पर एल स्क्वायर और यहाँ पर एट एल क्यूब हो गया ना, ये है ना, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये दो से दो कैंसल हो जाएगा, सो दैट विल बी थ्री, थ्री थ्री हो जाएगा ऊपर जाके नाइन और नीचे आ जाएगा एट, देख लेना एक बार, मुझे आंसर एग्जैक्ट पता नहीं है, मैंने ऐसे जल्दी में कैलकुलेट कर दिया, आर सी की वैल्यू आ जाएगी, करेक्ट। नेक्स्ट की चीज़ क्या मेरे को बतानी है आपको, इसी सेम क्वेश्चन में डिफ्लेक्शन जो सॉरी थीटा एट बी निकालना है मेरे को, रोटेशन एट बी, अब ये इतना आसान नहीं पड़ेगा मुझे पता है, बट कंसेप्ट मजबूत रखते हैं, होगा देखते हैं। यहाँ पर 2PA लग रहा है ना, और यहाँ पर ये RC लग रहा है, ये C है, ये B है, ये A है, अभी मेरे को तो नेट डिफ्लेक्शन B पे चाहिए, तो इससे तो मुझे कुछ मतलब ही नहीं है, बट ये RC into L का एक मोमेंट भी तो लग रहा होगा जस्ट इसके अपोजिट, तो अगर मैं इस RC लोड को इधर पहुँचाऊँ तो मुझे एक मोमेंट भी लगाना होगा, राइट। तो इस बीम की इफेक्टिव एफ बी डी क्या रहने वाला है, 2PA ऐसे रहेगा, ये पॉइंट B है और ये RC को मैंने इधर पहुंचा दिया, तो यहाँ RC कर देता हूँ, बट एक मोमेंट लगाना पड़ेगा जस्ट इसके अपोजिट, कितना RC into L का, राइट। क्लॉकवाइज वाले को हम पॉजिटिव लेते हैं और काउंटर क्लॉकवाइज को नेगेटिव, राइट। तो थीटा बी निकालने के लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाना है, पहले 2PA के लिए देखते हैं, एम एल अपॉन ई आई, एम कितना है 2PA एल अपॉन ई आई, ये होता है फॉर्मूला, फिर इस वाले मोमेंट के लिए आर सी इंटू एल के, लेकिन ये नेगेटिव रहेगा, आर सी एल एम एल अपॉन ई आई, सही है। फिर इसके लिए ये बीम को इस तरह से बेंड करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज, तो आर सी एल क्यूब सॉरी ये तो वो निकाल रहे हैं ना हम एम एल स्क्वायर अपॉन सॉरी पी एल स्क्वायर अपॉन टू ई एल, राइट। सो दैट विल बी थीटा बी इसके टर्म्स में आएगा एम एल स्क्वायर एल स्क्वायर, और आर सी की वैल्यू आप निकाल चुके हो, नाइन पी ए अपॉन
एटल आया है, यहाँ पर रख देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। ई आई ए कॉमन आ जाएगा, राइट। सो आर सी की वैल्यू आप रख देंगे और थीटा बी की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, 5/6। चलो आंसर दिया है इसका PAL/EI, पॉजिटिव में आएगा मतलब नेट मोमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज है, करेक्ट। तो बेस्ट तरीका, थोड़ी सी कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा है बट इंटरेस्टिंग है, लॉ है बस कि इस RC को मुझे यहाँ पर बुझाना पड़ेगा, करेक्ट। जैसे ये कोई ये RC यहाँ पर लग रहा था, मुझे यहाँ पर पहुँचाना है इसको, पहुँचा दिया, लेकिन एक इसके जस्ट अपोजिट आपको क्या लगाना पड़ेगा, मोमेंट भी लगाना पड़ेगा, दैट इज RC × L का। बहुत 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये भी, क्वेश्चन नंबर 85 था, राइट। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मैं आपको देता हूँ, उसको आप कीजिएगा और मेरे को बताना कि डिफ्लेक्शन पूछेंगे हम आपसे। ये है ये है ये है, यहाँ तक लोड है, बहुत फेमस क्वेश्चन है अभी, पी लोड यहाँ पर लग रहा है, 3L लेंथ है ये 2L है, ये L है, करेक्ट। और सबकी जो फ्लेक्चुरल रिजिडिटी है EI दिया है, ही हैज आस्क्ड यू टू फाइंड द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट दिस B, ही हैज आस्क यू टू कैलकुलेट डिफ्लेक्शन एट B, करेक्ट। हिंट इसमें बस मैं इतना ही देना चाहूँगा कि आपको ये जो मोमेंट है ट्रांसफ़र करना है और वैल्यू निकालनी है इसमें। चलो इसको बता ही देते हैं यार, क्या दिक्कत है, एक और दूसरा होमवर्क में दे देंगे, इसको करा ही देता हूँ मैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कराना एक सही भी रहेगा। मैं इसको बना देता हूँ डायग्राम, ये PL इधर की साइड जाएगा, 2L, हाँ सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये जो है ना P इधर, और ये डिस्टेंस 2L है, तो P × 2L का पहले कैसे लगेगा, P × 2L इधर लग रहा है, तो इस P को अगर मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पर आपने इसको कर दिया, चलो यानी कि यहाँ पर आपने इसको P को पहुँचा दिया, लेकिन P × 2L का जो लोड है वो आपको इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, राइट। P × 2L का ऐसे ही बीम को मोड़ने की कोशिश कर रहा होगा ना, ये देख लीजिए आप, और ये लेंथ कितनी है, 3L है, मतलब बस लोड ट्रांसफ़र का खेल है और कुछ भी नहीं है ये, करेक्ट। तो आपने इस P को अगर इधर पहुंचाना है, दूसरे उसमें पहुंचाना है, ठीक। वैसे तो सच बताऊं तो P × 12 यहाँ पर आएगा, P इधर पहुंच के P × 12 का जो मोमेंट है वो इधर इसके अपोजिट आ जाएगा, तो P तो ऐसे ही लग रहा है ना, इसी पॉइंट पे सेम लेंथ पे लग रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि सेम सेम प्लेन पे है, ठीक। तो बस अब कुछ भी नहीं करना, डिफ्लेक्शन मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो निकालना है, तो PL³/3EI हो जाएगा इस पी लोड के लिए, और मोमेंट के लिए क्या रहेगा, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, और लेंथ भी कितनी है, 3L है, ये ध्यान रखना, लेंथ 3L है, गड़बड़ हो जाएगी, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, P × 2L का तो मोमेंट लग रहा है, ML² L² कितना होगा, ये होगा / 2EI, सही। ये कितना हो जाएगा, 27/3, 9, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर भी हो गया 9, ओह ग्रेट, 0, डिफ्लेक्शन क्या आएगा, 0, डिफ्लेक्शन आ जाएगा 0। देखो मैं दोबारा इसको करके दिखाता हूँ आपको,
ये मोमेंट को ट्रांसफर करके दिखाता हूँ। देखो पी इंटू, ये पी इंटू टू एल है, बहुत सारे तरीके हैं, मैं इसको बिल्कुल कन्वेंशनल नहीं लेके चल रहा। ये इसकी सेंट्रिसिटी मान लो, तो इस पी को इधर मैं अगर ट्रांसफ़र करूँगा, बाय द वे ये लोड ना हो, ये वाली बीम ना हो, तो मैं पता क्या करूँगा, इस पी को यहाँ पहुँचा दूँगा और यहाँ पर एक मोमेंट लगा दूँगा पी आई। ठीक, तो अब क्या करना है मेरे को, इस पी को कहाँ पहुँचाना है, इस बी पॉइंट पे पहुँचाना है। तो क्या करेंगे, ये पी तो इसी फेज में ही लग रहा है, तो पी ऐसे ही लग रहा है, करेक्ट, और ई आई पी इंटू इसका एक ये मोमेंट लग रहा है, ये वैसा ही सेम, क्योंकि ये सेम फेज में है, करेक्ट। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आपने ये पी इंटू ई आई को, जैसे ये ई मान लोगे, ये इसको ऐसे करोगे, देखो ये जो बीम है इसको कैसे मोड़ने की कोशिश करेगी, ऐसे करने की कोशिश करेगी, तो इसका जो आपको मतलब इसको कह सकते हैं, इसका रिएक्शन कैसे लगेगा, ये कैसे बीम को मोड़ने की कोशिश कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका रिएक्शन फोर्स कैसे होगा, क्लॉकवाइज लगा दो इसको, लगा दिया क्लॉकवाइज, इसको रिएक्शन कर दिया। अभी इस पॉइंट और इस पॉइंट को देख लो, राइट, तो ये ऐसे लग रहा है, ठीक, क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश कर रहा है, तो आप इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, ये वाला क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश कर रहा है, आप इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। बहुत सारे तरीके हैं, कैसे भी कर सकते हो, बट ये याद रखो कि इसका उल्टा होता है हमेशा, ठीक, और ये बीम को उल्टा करने की कोशिश करेगा ऑब्वियसली, मतलब ऊपर की साइड घुमाने की कोशिश करेगा, करेक्ट, तो उस तरीके से अपन कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 87 का मैं आपको होमवर्क देता हूँ, वो आप करो, कमेंट करके ज़रूर बताना। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना है इस बीम का, ये पॉइंट पी है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, आपसे ये जो है इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन पूछा है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी, करेक्ट, वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है, और ये जो लेंथ है मतलब इसकी कितनी दी है, ये 3a दी है और ये वाली लेंथ a दी है, ट्राई करके बताना मेरे को क्या आंसर आप ला पाते हैं इसका। तरीका वही रहेगा, ये बीम को कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है और ये बीम को कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही होगा। इस पी लोड को कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, यहाँ, ठीक, ये बीम कैसे ऐसे मूव करेगी, ये बीम को कैसे मूव कराने की कोशिश कर रहा, ऐसे मूव कराने की कोशिश कर रहा, तो इसको अपोजिट आपको पीए लोड लगाना पड़ेगा, करेक्ट, तो पीए आप लगा के दोनों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक, और वर्टिकल डिफ्लेक्शन आप इसमें से निकाल सकते हो, करेक्ट। सो ये क्वेश्चन नंबर 87 था, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। टोटल 13 क्वेश्चन इस लेक्चर सीरीज़ के रहते हैं, तो मैं एक दो दिन में उसको लेके अच्छे क्वेश्चंस, जो कि रीसेंट टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस है, वो मैं कराने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि तो काफ़ी चांसेस रहेंगे आपके कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़, और कमेंट करके बताइए कैसा आपको लेक्चर लगा। धन्यवाद।